गुड आफ्टरनून और वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो ये है दोपहर के टाइम का समय और हमने खाना पीना खा लिया है। जो भी क्या बोलते हैं, साफ सफाई करना था, बर्तन उर्तन सब कुछ करना था तो हमने उधर निकाल दिया है। ये भी खाना खा लिया। कैसा था सब्जी? अच्छा था, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सब ये क्या मेला लगा रखे हो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ये मेला वाला मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद है। मेला लगा के रखे हैं। तो अभी हम चलते हैं, एक साड़ी का प्रमोशन करना था। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कौन सी साड़ी। ऊपर है कि किधर है, देख लेती हूँ। ये वाली साड़ी का वैसे तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हो गई है, क्या ही बताए हम भगवान। इसको ऐसे कर देते हैं। ये वाली साड़ी का प्रमोशन करना था। कैसा लग रहा है? बोल रही थी दीदी इस पे थोड़ा हैवी लुक लीजिएगा। पता है इतना ज्यादा वर्क है इसमें कि मैं तो हैरान हूँ कैसे पहनूं, कहीं मुझे चुभे ना। तो चलते हैं, इसको पहन लेते हैं। इसका इस कलर का पेटीकोट निकाल लेते हैं पहले। हम कितना भी सही करके रखते हैं, कितना भी सही, लेकिन हमारा अलमीरा खराब हो ही जाता है। चलिए हमने सब कुछ निकाल लिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या पहनती हूँ। तो मैं बैक कैमरा करती हूँ। ले ये साड़ी हो गया। इस साड़ी के साथ मैंने कुछ इस टाइप के ब्लाउज सिलवा रखे हैं जिसमें बिल्कुल वर्क है। और ये है गले का सेट, बिल्कुल सिंपल सा पहन रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ये चूड़ी थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, ना आप लोग बताना। तो मैं यही चूड़ी पहनूंगी इस पर। बाकी हम रेडी हो जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं कुछ देर में। और मेरे को भारी भरकम मेकअप सच पे करने नहीं आता है, इसीलिए मेरा सेम लुक लगता है। आप लोग बोलते हो कि आपका सारा लुक एक ही जैसा रहता है, तो मुझे नहीं आता है सच में। मैं ना, मुझे तो आईलाइनर लगाने तक का सहूर नहीं था, वो तो लगाते 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 थोड़ा बहुत आने लगा है। बाकी चलिए रेडी करके फिर आप लोग से मिलते हैं। हे गाइस, तो ये देखो, हमने जैसा बताया कि मैं जो साड़ी पहनने जा रही हूँ, पार्टी वियर साड़ी है, शादी में पहन सकते हो। तो ये ब्यूटीफुल सी साड़ी हमने पहन लिया है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी इसमें पूरा वर्क है, मिरर का पूरा सीक्वेंस है और लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग शादी में भी इसको पहन सकते हो, किसी भी फंक्शन में भी पहन सकते हो। कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, हैवी साड़ी है। तो आप लोग को लेना होगा तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम पेज चेक कर लीजिएगा। और मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने किस साड़ी। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं, बाकी आप लोग बताना। हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। और गले का सेट कैसा लग रहा है, चूड़ी कैसा लग रहा है, साड़ी कैसा लग रहा है, मेरा बाल कैसा लग रहा है और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, ज़रूर करना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, जानना है साड़ी कहाँ से लिया है तो ये भी मैं आपको बता दूंगी इंस्टाग्राम के पेज। ठीक है गाइस, तो अभी हमने साड़ी वगैरह चेंज कर लिया। आप लोग देख सकते हैं मेरा रूम कितना ज़्यादा फैला हुआ है। अब मैं जा रही हूँ ना अपने बेटे का फिर से अलमीरा साफ करने के लिए, क्योंकि अब तो बिल्कुल जो हाफ कपड़े हैं बिल्कुल हटा देते हैं, सिर्फ ठंड ठंड वाले कपड़े रखते हैं और जो ले जाना है उसको भी निकाल देते हैं, साइड में करके रख देते हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा और मैं इस ब्लॉग को अब बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मुझे आप लोगों से बहुत एक ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि आप लोग के इतने ज़्यादा कमेंट उस चीज़ के लिए आ रहे हैं जिस चीज़ को हमने बिल्कुल भी हमने सोचा भी नहीं यार कि ऐसा कुछ भी है क्या। सच में फ़ोन उठाती हूँ ना तो कुछ और ही पता चल जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है कि कोई लाइव आया था ऐसे वैसे। तो चलिए हम उस पर बाद में टॉपिक पर बात करते हैं, पहले हम अभी ये सब सारे चीज़ें सही कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को तय में लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर गया बेटा। आइए उठा के देते, या है फोन लीजिए। कहाँ गिरा दिए? पता है गाइस, जब भी हम वॉइस ओवर करने की कोशिश करते हैं ना इसका कुछ ना कुछ नाटक लगा रहता है। तो यहाँ पे हम सारे कपड़े को तय में लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था कृतिक के मेरे, क्योंकि जो गर्मी वाले थे ना सारे साइड में रख दिए हैं और ये इसको अलग कर दिए हैं। और मैं भी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा। बात इतनी आगे तक बढ़ गई है कि मैं आप लोगों से शेयर ही नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी।
तो ये चीज़ आप किसी और के लिए मत सोचना, ये मेरे लिए ही है। तो चलो छोड़ो, हटाओ, बस ये देखो कि कितना भी काम करो, कितना भी कुछ करो, इंसान को दिखता ही नहीं है। शायद मेरे अंदर ही कमी है, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं अच्छी। ये चीज़ तो हमने, ये तो हम जान गए कि आपने शादी के बाद क्या ज़िंदगी हो जाती है यार, क्या हो जाती है इंसान की, जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो सिर्फ माँ बाप ही बोलते हैं जो भी गलती होती है। शादी के बाद क्या बोलूँगा। तो यहाँ पे फिर गिरा दिए आप ऐसे बार बार करोगे तो हम थोड़ी ना उठा के देंगे। क्यों गिराए हो आप? इसको पता है कि गिरा है, एक बार इसको चोट लग गया था ना, इसकी वजह से वो नीचे से नहीं उठाता था, इसलिए मेरे से बार बार बोल रहा है। तो देखो यार, शादी के बाद ना इतने सारे जिम्मेदारियां हो जाती हैं, इतने सारे काम होते हैं, और एक पत्नी हमेशा खड़ी रहती है अपने पति के साथ। चाहे जब भी वो, मैं सुबह उठती हूँ डायरेक्ट जा कर के, मैं 12-12:30 बजे बेड पे ही जाती हूँ लेटने के लिए, नहीं तो मैं जब से उठती हूँ तब से कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। लेकिन शायद किसी को ये दिखता नहीं है। अगर कोई अपने घर का काम कर लेता है तो इंसान उसको किसी और के नाम से जोड़ देता है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर अपने ही घर में काम ये सब करके किसी और नाम से जोड़ा जाएगा तो क्या ही काम करना है, इसे अच्छा करना ही नहीं चाहिए। फिर देर से आप लोग टाइम लिप्स में देख रहे हैं, तो यहाँ पे कृतिक का कपड़ा सारा एक बैग में, इधर देखो खाली है, बाकी इधर मैंने डाल दिया। और इसका ये वाला अलमीरा बिल्कुल सही कर दिया। अब जितने भी कपड़े हैं सारे ठंड के हैं, सारे घर में हटा दिए। ये टॉवल वगैरह है, ये इसके बर्थडे में कपड़ा मिला था, तो देखते हैं क्या करते हैं इसका, किस काम में आता है। हमारा जीना मुश्किल मत करो। कहा ये साड़ी पता है आप लोग को, ये हमारे घर के गृह प्रवेश जब किए थे तब पहने थे, और इस टाइम देखो कितने कितना है। अब ये सोच रहे जो फालतू रखा है ये हम ड्राई क्लीन कराए थे ना जी, नहीं धूले थे अपने हाथ से धुले थे, छोटी पहनी थी, कैसे रखे यार। याद है आपको इसका? सब याद रहेगा हमको, कभी तो ना कभी तो। मेरे पास इतने कपड़े हैं, क्या है यार, ये सूट तो एक ही बार पहने ना, तब डाल देते हैं। क्या साड़ी साड़ी करता है? मार दूंगी। क्वालिटी बेचते हैं ये सब। हटोगे? मजबूत नहीं है, एक दो बार जाने में सारा खराब हो जाता है। सिम बंद कर देंगे, समझ लेना। ट्रिप पे जाना हो यानी नया सूटकेस लेना पड़ेगा। कैंटीन से बढ़िया सूटकेस निकलवाने लायक है। तो बोलते रही थी आकर के रुपरानी की ले लीजिए, इनके यहाँ अच्छा रहता है, तो आप तो गए भी नहीं। वाह बड़ा तुम जा ही रही हो। ये भी मीशो पे है ड्रेस, ये वाला ड्रेस है मीशो पे, ये तो तुम पहन सकती हो। कहाँ पहनूंगी? रखा फिर जोगाई सब कहाँ पहनूंगी, कहाँ पहनूंगी भाई, घर में पहन डालो डेली। क्या कितना पहनूंगी बताओ, कितना पहनूंगी, पहनो, कितना पहनती हो? क्यों बिना पहने ही रहती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ, बिना कपड़े की रहती हूँ,
ऐसी बात करते हो, सब अच्छे अच्छे दुल्हन जैसा ड्रेसे से पहना करो, दुल्हन अच्छा जैसा लगता है। उससे ज्यादा आ जाता है फिर तो क्या, कितना पहनेंगे एक ही बार में, तो काहे जोगा जोगा कर रख रही, सब हटाओ सब दे दो। तो किसको दूं इतना, तो लेके हट गई, अब किसको दूं इतना, अब लेकर हम अब कितना, कोई आए तो फिर लेके जाए। हाँ फिर तो मैं किसी के लिए लेके जाऊंगी, मैं इतना ढो ढो के कहाँ लेके जाऊंगी। बात तो भी है ना, कितना आदमी ढो के लेके जाएगा, मेरा खुद इतना सारा चीज हो जाता है, हम उतने ही ले जाते हैं जितना हमको बनाना होता है, उतने में ही तो हालत खराब हो जाती है। देखो हमको जितना बनाना, मैंने उतना ही, मैं उतना ही वहां पे रखी हूँ, अब इतना जो रखे वो सारा बनाना है मुझे वीडियो, बताओ क्या करें हम। हमको लग रहा है अलमारी को बनवाना पड़ेगा हमको, और जो आता है उसको देते ही तो है, कौन सा कहीं नहीं देते हैं। नहीं नहीं ठीक है, इस मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके सब रेडी हो गई हूँ, और मैं क्या बोलूँ, आप लोग से जरूर कुछ शेयर करने वाली थी लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई कि जो हम आप लोग से शेयर ही नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात से, इस बात को आप लोगों से शेयर करना चाहिए। गिरा दिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए, क्यों गिरा दिए, बिल्कुल मन अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो होगा आप लोग देख लीजिएगा आगे, मुझे कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है सच बताऊं। इस ब्लॉग को ही पेंट करते हैं, वीडियो क्या अच्छा लगेगा, बस इतना जानते हैं कि संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा।